ईसाई आदिवासी महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कर्मा नृत्य करते हुए सरगुजा कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव किया और इनकी मांग है कि आदिवासी कर्मा नृत्य का आयोजन करने दिया जाए। दरअसल सरगुजा जिले में ईसाई आदिवासी महासभा ने 8 तारीख को होने वाले कर्मा नृत्य महोत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाना था, लेकिन मूल आदिवासी हिंदू समाज ने इसके पूर्व में ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा किए जा रहे नृत्य का विरोध किया था, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 8 नवंबर को होने वाले कर्मा नृत्य को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद में ईसाई आदिवासी महासभा ने आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांग की है कि हमें कर्मा नृत्य सीखने के लिए अनुमति रविवार और साथ ही सरकारी छुट्टी के दिन भी दी जाए, जिससे कि हम आगामी आदेश के बाद जब भी अनुमति मिलेगी तो हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कर्मा नृत्य का आयोजन कर सकें। ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा 8 नवंबर को बृहद सामूहिक नृत्य का कार्यक्रम रखा गया था पीजी कॉलेज ग्राउंड में। इसको एक अन्य आदिवासी समूह द्वारा इसका विरोध किया गया। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उक्त आयोजन की अनुमति जो पहले दी गई थी अब उसको 5 तारीख को स्थगित किया गया है। स्थगन के पश्चात आज ये ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा पुनः ज्ञापन दिया गया है कि जब तक पुनः इनको अनुमति का आगामी तिथि नहीं दिया जाता तब तक इनको प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए। जो विषय है आदिवासी परंपरा के रूढ़ी से संबंधित है, इस पर हम विषय विशेषज्ञ लोगों से अनुमति ले रहे हैं, इस पर स्पष्ट रूप से अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। मैं मुन्ना टोप्पो ईसाई आदिवासी महासभा का अध्यक्ष हूं। विगत 9 महीना में हम लोग को टोप्पो भी आईडी के थोड़ा नीचे ईसाई आदिवासी महासभा आयोजक था, उसके लिए उराव नित्य का एक गिनीज आईडी नीचे की टोप्पो भी है कार्यक्रम रखे गए थे। वो कार्यक्रम विधिवत मैंने स्थानीय प्रशासन ने हमें आदेश हमको अनुमति दिया गया था, कुछ हमारे भाइयों के द्वारा ही शायद प्रशासन के कहने के आधार पर कुछ ऑब्जेक्शन था, इसलिए ये जो कार्यक्रम है उस ऑब्जेक्शन का हवाला देते हुए कि शांति प्रिय भंग होने का संभावना है बोल के ये कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। वो बोले कि स्थगित कर रहे हैं और निरस्त नहीं कर रहे हैं, आगामी आदेश तक इसका आप लोग प्रतीक्षा करें। अभी क्या निर्णय मिला, अभी क्या बोले? अभी तो वही जो उन लोग जो स्थगित किए हैं जो आदेश उसी के अनुरूप हम लोग वो दिए हैं, एक ज्ञापन दिए हैं कि आप जब तक आने हम लोग ये डेट जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग प्रत्येक इतवार और जो सरकारी छुट्टी रहेगी उसमें हम अभ्यास करेंगे उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए। वो दूसरा पक्ष अपने कार्यक्रम को स्थगित इसलिए कराना चाहता था कि आप लोग धर्मांतरित ईसाई हो तो आप लोगों को नृत्य करने की वो नहीं है, उराव नृत्य करने का अधिकार नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ ये असंवैधानिक मांग था उनका, लेकिन हमारा समाज जो सभ्य शांति प्रिय समाज है इसीलिए उन लोग ना समझें, लेकिन हम उस उराव शब्द को भी हम उससे अलग कर दिए थे और जो ईसाई शब्द को भी ताकि आदिवासी नृत्य हो सके ये हम लिखित में दिए थे। तो पर भी प्रशासन दोनों पक्षों का वो सुनते हुए ये सहमति नहीं बनी, इस कारण से अभी स्थगित किया गया है आने वाले तारीख तक, ताकि दोनों समाज बैठ के इसको सलाह कर ले, उसके बाद बड़ा स्तर से कार्यक्रम करने का तारीख देंगे। कार्यक्रम ये था उराव नृत्य जो ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा गिनीज बुक का कार्यक्रम था वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो उन लोग पता नहीं क्या सोचे होंगे, भाई धर्मांतरित ईसाई जरूर हो गए हैं लेकिन जाति तो वही ना है।